जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। चैत्र महीने की आखिरी जो तिथि होती है, अंतिम तिथि, वो पूर्णिमा की तिथि होती है। और हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये चैत्र का महीना बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है। तो साल के पहले महीने की जो पूर्णिमा है वो खास ज़रूर है, क्योंकि इस पूर्णिमा तिथि पर हम माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ खास अचूक उपाय। तो सबसे पहला उपाय, अगर आपके घर में धन से रिलेटेड समस्याएं बनी रहती हैं, अगर आपको लगता है कि धन आपके घर में टिकता नहीं है, बेकार के खर्चे ही होते रहते हैं, तो इस बार पूर्णिमासी पर ये खास उपाय आप एक बार करिए। इस उपाय को एक बार करने के बाद ही आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से आपको 24 घंटों के अंदर लाभ अपने घर पर होता हुआ ज़रूर दिखेगा। लेकिन सिर्फ मेरे कहने से ये उपाय मत करिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो मन के अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिसके समक्ष अपनी प्रार्थना रख रहे हैं, आप जिसके समीप अपने दुख दर्द रख रहे हैं, ऐसा विश्वास आपके मन में ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप उसके समीप उसके समक्ष अपनी प्रार्थना रखेंगे तो वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। आपको करना क्या है, आपको 121 पीली कौड़ी लेनी है। 121 पीली कौड़ी पर आपको हल्दी लगानी है, और हल्दी लगाकर ये सारी कौड़ियाँ किसी भी चांदी के पात्र में रख लीजिए। रखने के बाद वो चांदी का पात्र, चाहे कटोरी हो, जिसमें भी कौड़ियाँ आ जाए, वो अपने उल्टे हाथ में इस तरह रख लीजिए, और अपने सीधे हाथ से इस तरह उसको ढककर आपने नीचे स्क्रीन पर जो मंत्र आ रहा है इसका जाप करना है। इसका जाप 108 बार करना है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद में ये कौड़ियां आपने रात को चंद्रमा के सामने रख देनी है। एक घंटा रखकर छोड़ दीजिए। उसके बाद ये कौड़ियां लाकर आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ये उपाय आपने पूर्णमासी की रात को करना है। ये पूजा भी आपको दिन ढलने के बाद ही करनी है। और इन कौड़ियों को आप अपने घर में सिर्फ और सिर्फ 40 दिन रखिए। 40 दिन पूरा होने के बाद ये कौड़ियां निकाल कर आप जल प्रवाह कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है, पीड़ित है, तो ये उपाय आप गलती से भी मत करिएगा। क्योंकि अगर कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है और ऐसे में आप कौड़ियों से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर देते हैं तो आप अपने बुध ग्रह को एक्टिवेट कर देते हैं, और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको कष्ट और ज़्यादा मिलने लगते हैं। जय माता दी।